गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 9 है और ये 26 जुलाई 2021 के लिए है, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। और ये आज का वर्कशीट बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी जो सिंपल क्लोज सर्के होगा जी डियर स्टूडेंट, सिंपल क्लोज कर्व, वो केवल व केवल लाइन सेगमेंट से बना होगा, वही कहलाएगा पॉलीगन। तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन गिव रीजन। तो ये पॉलीगन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से क्या है, नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये आपका क्या है, आपका पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं, ये सर्कल हो जाता है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है, ठीक है। पॉलीगन कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ द साइड, और पॉलीगन का नेम जो है ना, उसके नंबर ऑफ साइड के बिहाफ पे होता है, ठीक है, कितने साइड है उसका। डियर स्टूडेंट, अब देखना, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड एंड टाइप ऑफ एंगल। ट्रायंगल को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन साइड, ठीक है, बेस्ड ऑन लेंथ और साइड, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेचर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, नेचर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसके बिहाफ पे डियर स्टूडेंट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो ए ऑल साइड आर ऑफ अनइक्वल, तीनों साइड जो इक्वल नहीं होता है तो वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है, राइट। एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो कहलाता है आपका आइसोलेस ट्रायंगल, और ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, राइट। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये जैसे सपोज डेट, यहाँ देखिए एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, देखिए ये आपका जो है ना, इसमें जो तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। उसके बाद जो है ना, दो साइड इक्वल है तो ये आइसोलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड कोई भी साइड, ये साइड डी साइड 10, 10 है, 15 है, 9 है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, राइट। अब नेचर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, जैसे नेम ऑफ द ट्रायंगल, नेचर, जैसे इच एंगल इज एक्यूट, इच एंगल एक्यूट अर्थ इक्वल टू, मतलब जो भी एंगल होगा डियर स्टूडेंट, 0 से प्लस होगा और 19 से कम होगा, तो ये आपका पहला एक्यूट है, ठीक है। उसके बाद वन एंगल इज ए राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वन एंगल यहाँ देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री का है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वन एंगल इज ऑब्स्टियूस, ऑब्स्टियूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि आपका जो है ना, 0 से अधिक होता है, 90 से कम होता है, 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है, तो ये आपका हो जाएगा। तो सिंपली आपको पहचानना क्या है डियर स्टूडेंट, जब आपका एक्यूट एंगल होगा तो एक्यूट एंगल आपको इस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद आपका राइट एंगल होगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपका डियर स्टूडेंट ऑब्स्टियूस एंगल ट्रायंगल आएगा तो आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपका सिंबल है पहचानने का, राइट। चलिए अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल को उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, राइट। तो चलिए, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ द पैरेलल साइड, यानी वन पेयर ऑफ द पैरेलल साइड होता है ट्रेपीजियम का। उसके बाद पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, इक्वल होता है और पैरेलल होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स एक दूसरे को काटता है, बाइसेक्ट करता है, राइट। रेक्टेंगल्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, इच एंगल्स इज ए राइट एंगल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इच एंगल इज ए राइट एंगल और डायगोनल आर इक्वल। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर ऑफ द इक्वल लेंथ, राइट। और स्क्वायर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अब इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, आपको
जो ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल्स इज अ राइट एंगल, बिल्कुल रेक्टेंगल का कोई भी राइट एंगल हो सकता है। ऑल द रेक्टेंगल्स स्क्वायर फॉल्स, अब आपका जो है ना द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ ऑफ इक्वल लेंथ, नहीं ये ऐसा नहीं होता है। ऑल द स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स होता है, ठीक है। और ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।